दोस्तों आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आज सिहाब भाई कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, उनके पास कितने लोग हैं, वो इस वक्त कहां हैं, उनकी करेक्ट लाइव लोकेशन लाइव अपडेट किया है, उन्हें अपने इस सफ़र पर अपने घर से चले हुए कितने दिन का वक्त बीत चुका, यानी कितना समय उन्हें अपने घर वालों से विदा लेते हुए हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने आज अपना सफ़र शुरू किया या नहीं किया। अगर उन्होंने अपना सफ़र आज शुरू कर दिया तो उनकी लाइव लोकेशन क्या है, अगर उन्होंने अपना सफ़र आज भी शुरू नहीं किया है तो वो कब अपने इस सफ़र को शुरू कर रहे हैं, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों सिहाब भाई की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, जो खुद सिहाब भाई ने अपने आप बताई है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वक्त सिहाब भाई के बारे में कई ऐसे वीडियो हैं जो कि वायरल किए जा रहे हैं, कई ऐसी वेबसाइटों पर ऐसी न्यूज दी जा रही है कि सिहाब भाई पाकिस्तान पहुंच गए, सिहाब भाई का सफ़र पाकिस्तान में चल रहा है, सिहाब भाई यहाँ है, सिहाब भाई वहाँ हैं, बल्कि सिहाब भाई के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। क्या दोस्तों सच में सिहाब भाई ने अपना सफ़र शुरू कर दिया, क्या सच में सिहाब भाई पाकिस्तान पहुंच गए? तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों साथियों, मैं सब कुछ इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर आपको बताने वाला हूं। उनकी लाइव अपडेट क्या है, उनकी लाइव लोकेशन क्या है, वो इस वक्त किस जगह पर हैं, वो अपने सफ़र को कब शुरू कर रहे हैं, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर बताऊँगा। लेकिन दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सिहाब भाई की हर तरह की अपडेट मैं आपको इस चैनल पर देता रहूँगा कि आगे वो भी किस तरीके से अपने सफ़र को अंजाम देंगे, वो आगे किस तरीके से अपने इस भारत देश को अलविदा कहने के बाद अगले दूसरे देशों में अपने सफ़र को अंजाम देंगे, उनके पास वहाँ कोई होगा या नहीं होगा, यानी अगले देशों में इनका टीम का कोई मेम्बर इनके साथ होगा या नहीं होगा, मैं सब कुछ आपको इस चैनल पर बताता रहूँगा। दोस्तों बात कर लेते हैं सिहाब भाई को अपने सफ़र पर अपने घर से चले हुए कितने दिन का वक्त बीत चुका। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज मोहम्मद सिहाब भाई को अपने इस सफ़र पर अपने घर से चले हुए 178 दिन का वक्त बीत चुका है। दोस्तों 178 दिन पहले इन्होंने अपने घर वालों से विदा ली थी, 178 दिन पहले इन्होंने अपने घर वालों से विदा लेने के बाद अपने इस सफ़र को शुरू कर दिया था, अपनी इस मंजिल को पाने के लिए, हज अदा करने के लिए पैदल अपनी यात्रा शुरू की, ये सोचकर कि मैं 2023 का हज अदा करूंगा। लेकिन दोस्तों अफसोस, इनके इस रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं हम सब आपको बता रहे हैं, और आप सब ने भी देखा कि इनके इस रास्ते में कितनी परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह उन सब परेशानियों को दूर कर देता है। थोड़ा तकलीफ तो मिलती है, लेकिन हमारी और आप सब की दुआओं से सिहाब भाई का सफ़र जारी है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ, सिहाब भाई को अपने इस सफ़र पर अपने घर वालों से विदा लिए हुए 178 दिन का वक्त बीत चुका, यानी कि 6 महीने इन्हें अपने इस सफ़र पर अपने घर से चले हुए अब होने ही वाले हैं, 5.5 माह का वक्त इन्हें बीत चुका। दोस्तों बात की जाए, इन्होंने अपने इस भारत देश के अंदर सफ़र किस तरीके से किया? दोस्तों इन्होंने अपने इस भारत देश के अंदर जो सफ़र किया था वो हम आपको बता दें, तकरीबन इन्हें 20-25 दिन सफ़र जो किया था अपने घर केरल के मलप्पुरम से जो शुरू किया था, ये उस वक्त अकेले थे, यानी 2-3 हफ्ते इन्होंने अकेले सफ़र शुरू किया। जब धीरे धीरे लोगों को पता चलता गया तो इनके पीछे हजारों की तादाद में लोग दिखाई देते चले गए। दोस्तों कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और काफिला बढ़ता गया। दोस्तों कुछ इसी तरीके से सिहाब भाई की मंजिल अब भारत देश के अंदर आसान होती चली गई, यानी इनका सफ़र कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता चला गया। 15-20 दिन के बाद इनके पीछे हजारों की तादाद में लोग ही लोग दिखाई देते चले गए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों साथियों, मैं आपको ये बता दूं, जिस वक्त सिहाब भाई अपने सफ़र को भारत में शुरू करते थे, इनके पीछे हजारों की तादाद में लोग ही लोग दिखाई देते थे। दोस्तों आज भी कुछ ऐसा ही हाल है,
अगर ये अपने इस सफर को आज की इस वक्त में अगर शुरू कर दें तो इनके पीछे हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर जाएंगे इनका इस्तकबाल करने के लिए, इनका साथ देने के लिए, इनकी खातिरदारी करने के लिए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बात की जाए इनकी लाइव लोकेशन की, लाइव अपडेट की, कि ये इस वक्त कहाँ पर हैं। दोस्तों, हम आपको ये बता दें, ये इस वक्त अभी उसी स्कूल में मौजूद हैं, जी हाँ, जो हम आपको तकरीबन 2 महीने से बताते चले आ रहे हैं। दोस्तों, ये इस वक्त अपने इस भारत देश के अंदर मौजूद हैं। भारत देश के अंदर राज्य है पंजाब, जो बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है, यानी बिल्कुल उसके करीब है। पंजाब राज्य का जिला है अमृतसर, और दोस्तों अमृतसर जिले का एक गांव है शाखा पिंड। ये इस वक्त इसी गांव शाखा पिंड के एक स्कूल में आराम कर रहे हैं। यहां पर रुके हुए इन्हें तकरीबन 66 से 67 दिन का वक्त बीत चुका, यानी 2 महीने से ज्यादा का समय इस सफर पर इन्हें यहां पर रुके हुए हो चुका। दोस्तों, बात की जाए, इन्होंने इसी साल जून माह की 2 तारीख को अपना सफर शुरू किया था, ये सोचकर कि मैं अगले जो 23 का जो हज होगा, जो 2023 का हज होगा, मैं उसको अदा करूंगा। लेकिन दोस्तों, बात की जाए, इन्होंने 6 महीने का वक्त तो अपने इस भारत देश के अंदर ही गुजार दिया, अब आगे और 6 महीने बचे हैं अगले 2023 के हज के लिए। आगे जो 4-5 देश हैं, ये उन देशों को 6 महीने में किस तरीके से पार करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है। दोस्तों, हमने आपको एक मैसेज जो कल बताया था, जो खबर आ रही थी कि पाकिस्तान द्वारा इनकी याचिका खारिज कर दी गई है, यानी पाकिस्तानी कोर्ट में एक अर्जी दी गई थी सिहाब चित्तूर के नाम से कि सिहाब भाई को वीजा दे दीजिए। तो दोस्तों, हमने आपको उसमें बताया था कि सिहाब भाई के वीजे के लिए पाकिस्तान कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब एक ही बहुत ही बड़ी खबर जो कि सिहाब भाई की तरफ से आ रही है। सिहाब भाई ने उस खबर के बारे में कहा है, पहले तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सिहाब भाई ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर कहा है कि आज सोशल मीडिया पर एक फर्जी खबर वायरल हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सिहाब भाई उस खबर को फर्जी बता रहे हैं। सिहाब भाई का कहना है कि जो खबर वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार ने वीजे से इनकार कर दिया, सिहाब भाई का कहना है कि वो खबर फर्जी है, बल्कि फेक न्यूज है, आप सब उस पर भरोसा मत कीजिए। सिहाब भाई ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कहा है कि आज सोशल मीडिया पर एक फर्जी खबर वायरल हो रही है कि सिहाब छत्र का वीजा पाकिस्तान सरकार ने खारिज कर दिया। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि मैंने, यानी सिहाब छत्र का कहना है कि मैंने पाकिस्तान के माननीय उच्च न्यायालय में ऐसी कोई याचिका दायर नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान के एक शख्स ने पाकिस्तान कोर्ट में याचिका दायर की थी कि सिहाब छत्र साहब को पाकिस्तान का वीजा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। इसे फेक न्यूज के तौर पर पेश किया जा रहा है, इसीलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस तरह की फेक न्यूज चैनल से दूर रहें। इंशाल्लाह मेरा अगला सफर बहुत जल्द शुरू होने वाला है, आप सबकी दुआओं का इंतजार है। दोस्तों, आप सब ने देखा कि सिहाब चित्तूर ने किस तरीके से अपनी हौसला अफजाई खुद की है, और लोगों से भी ये कहा है कि फेक फर्जी न्यूज और फेक चैनलों से दूर रहिए, जो सिहाब भाई के बारे में गुमराह कर रहे हैं। सिहाब भाई का सफर इंशाल्लाह जल्द शुरू होगा। दोस्तों, हम आपसे भी कहते हैं कि आप सब अल्लाह से दुआ करते रहिए सिहाब भाई के हक में, और हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि सिहाब भाई का सफर जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि ये अपनी इस मंजिल को जल्द से जल्द पा जाएं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, सिहाब भाई के पास अभी भी हजारों की तादाद में लोग मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। आज कई सौ लोगों ने सिहाब भाई से मुलाकात की और उस खबर के बारे में भी पूछा, तो सिहाब भाई ने सभी को यकीदा दिलाते हुए ये कहा है कि इंशाल्लाह मेरा अगला सफर जल्द शुरू होने वाला है, बस आप सब लोगों की दुआओं का इंतजार है, आप सब मेरे हक में दुआ करते रहिए।